सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ उस्तादसा भी मैदान में आ गए। मुख्तलिफ इलाकों से आए उस्तादसा का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज। माल रोड की एक साइड बंद करके नारेबाजी। हुकूमत से सरकारी स्कूल्स की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। एहतजाज में खवातीन उस्तादसा की बड़ी तादाद भी शामिल। मॉल रोड और मुनहिका सड़कों पर ट्रैफिक के रवानी मुतासर। सख्त गर्मी में मुसाफिरों का बुरा हाल। आए रोज एहतजाज पर मुजाहरीन और इंतजामिया को कोसते रहे। अट्ठाईस मई को छुट्टी की वजह से मुलतवी इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी। नौवां ज़मीन के अमली इम्तहानात 14 जून को मुनक्किद होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, नर्सिंग, साइकोलॉजी का अमली इम्तहान होगा। आउटलाइन होम इकोनॉमिक्स, हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का इम्तहान भी लिया जाएगा। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। हाई कोर्ट ने पैमरा और विफाक की हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने पाबंदी से मुताबिक पैमरा का कानून भी तलब कर लिया। अदालत ने राष्ट्रीय बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशान वापस लेने के अख्तियार चैलेंज कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया।